हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, लॉकडाउन थोड़ा खुल गया है और मैंने क्या मंगाया है मैं वो आज आपको दिखाऊंगी। फोटो देख के आपको थोड़ा थोड़ा तो पता लग रहा होगा कि ये मैंने क्या मंगवाया है। तो आज मैं इसकी करूंगी अनबॉक्सिंग, जो भी मैंने मंगाया है। पर जो भी मंगाया है बहुत यूज़फुल है, मैंने इसके रिव्यू भी देखे थे और अपनी फ्रेंड के पास में भी देखा था। तो चलिए आज करके दिखाती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। देखा था तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत यूज़फुल था। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फटाफट फटाफट। और ये जो मंगाया है मैंने अमेजोन से मंगाया है, बहुत अच्छा। बहुत यूज़फुल है, मेरी फ्रेंड के घर पे था, मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने भी ये मंगवाया। तो बहुत ही अच्छा है, वाह बहुत अच्छा है, एकदम ब्लैक, जेट ब्लैक कलर, बहुत प्यारा है। इसमें गोल्डन कलर भी था बट मैंने गोल्डन कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये मैंने ब्लैक मंगवाया है। ओके, इसमें ये नेट दी है, अभी बताते हैं। इसमें ये नेट दे के रखी है, ये किस लिए है देखिए। ओ, ये सेपरेट हो जाएगी नेट। ओके, ये नेट सेपरेट हो जाएगी। आई थिंक इसको इसलिए दिया होगा कि जब हम पैर इसमें मसाज करते हैं तो शायद गंदा हो जाए और इसको हम निकाल के धो भी सकते हैं। यस, ये इसलिए दिया है। ओके, अब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि इसकी ये पैरों की मसाज कैसे करता है। लगा दिया, इसका ऑन किया, स्विच ऑन है। अभी ये ऑन हो गया है और स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे ये मसाज करता है। इसमें एक ये पावर बटन दिया है और नेक्स्ट है ऑटो, कस्टम और मैनुअल। आप जिस पे इसको सेट करना चाहते हैं तो आप इसको सेट कर सकते हैं। और इसमें ऐसे पैर रखना है और ऐसे पैर रखने के बाद में स्विच ऑन कर दीजिए। तो देखिए, वाव, ये क्या मस्त मस्त दबा रहा है पैरों को। ये देखिए कैसे दबा दबा के पैरों को मसाज कर रहा है, दोनों पैरों को मसाज कर रहा है। अब जहाँ ये ऑटो का है, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, P1, P2, P3, P4। किसी पे भी हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर कस्टम में करना है तो कस्टम पे भी ऐसा ही करना है। अब इसमें क्या है, जो हमने P4 पे किया है ना, तो इस पे ये डबल रोटेट होता रहेगा। डबल फोर पे करने से कि एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दबाएगा। देखिए कैसे दबा रहा है वो, ये देखो, एक बार ऐसे दबाएगा तो 2 मिनट बाद में ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा है। अगर सपोज करो हमारी हील पेन हो रही है तो हम यहां से इसका थोड़ा सा हील के ऊपर से रखेंगे और इसको हिल दबाएंगे, तो जब हमारी ये हिल दबाएगा तो बहुत रिलीफ मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको मंगाया, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम इसको कस्टम पे करते हैं तो आप देखिए, कस्टम पे भी ऐसे ही तीन ऑप्शन है, कस्टम पे तीन ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैनुअल पे रहेगा तो नॉर्मल ऐसे ही चलेगा। और अगर आपके काव मसल्स पेन हैं तो आप इसमें इस पोजीशन में नीचे बैठ जाइए और अपना यहाँ पे पैर रख लीजिए इसके बीच में और इसको ऑन कर दीजिए, तो ये यहाँ से दबाना शुरू कर देगा। ये देखिए ऐसे दबाएगा। और अगर आपके नी पेन हो रहे हैं तो आप इसको नी मसाज भी कर सकते हो। आपके हाथ या आपकी एल्बो वगैरह या आपके शोल्डर पेन कर रहे हैं तो आप यहाँ से उसको दबा सकते हैं, अपने शोल्डर वगैरह भी। लेट के आप लेटने की पोजीशन में आप इसको आ जाइए और अपने हाथ इसके अंदर रख दीजिए और ये ऑटोमेटिक ही दबाना शुरू कर देगा।
देखिए ऐसे चल रही है, अभी मैं इसको बिना मसाज के दिखा रही हूँ कैसे ये रोटेट होती है, कैसे चलती है। इसके ऑप्शन हैं ये, और मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत यूज़फुल चीज़ है, अगर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप इसको मंगा सकते हैं। किसी को भी लेग पेन है तो बहुत अच्छी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।